हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी देखिए सुबह के 10 बजे हैं और मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज हमारे घर में पूजा है। और आज जो पूजा है उसका नाम है आषाढ़ी पूजा। और आषाढ़ी पूजा आषाढ़ के महीने में ही मनाई जाती है और जब तक ये पूजा नहीं होती है तब तक हमारे यहाँ धान की रोपाई शुरू नहीं होती है, इसीलिए ये पूजा होती है। और इस पूजा में क्या क्या किया जाता है, मेरी जो जेठानी सब है, मेरी दीदी सब क्या क्या करती है, कैसे करती है, तो चलिए आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और जो जो नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद जहाँ पर गाय बैल हम लोग रखते हैं गौशाला, वहाँ पर भी होगी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो टोकरी सूप जो रहते हैं वो सबको अच्छे से धो लिए हैं। और देखिए हम लोग धूप में सूखने के लिए इसको डाल लिए हैं। और इधर हमने एक घंटा पहले अरवा चावल को फूलने के लिए दे दिया था, अब उसको हम लोग छान लेते हैं और इसको कूट के इसका आटा तैयार करेंगे। और इससे जो पुआ बनेगी उसी को भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग ढेकी बोलते हैं गांव में। और इसी से चावल का आटा अभी तैयार होगा और ये गांव में प्रायः सबके घर में ही होते हैं। तो देखिए इसे कूट के किस तरह से चावल का आटा तैयार हो रहा है। अब जब तक चावल का आटा तैयार हो रहा है तब तक हम लोग कटहल का पत्ता तोड़ लेते हैं क्योंकि उससे पत्तल बनेगी। चारों तरफ हरियाली है और चिड़िया की चहचहाट भी बहुत सुंदर आ रही है। और कटहल का पेड़ में देखिए अभी भी कटहल लगा हुआ है। तो देखिए हमने कटहल का पत्ता तोड़ लिया है, अब हम इसका पत्तल बनाएंगे। और हम लोग इस 5 पत्तल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाया जाता है वो 5 पत्तल पुआ चढ़ाया जाता है, इसके लिए 5 पत्तल तैयार कर रही है मेरी जो जेठानी है वो। तो देखिए कैसे घर में पत्तल बनाया जाता है। तो यहाँ हमने पुआ बनाने के लिए देखिए चावल का आटा को दूध मिला के घोल बना लिए हैं और इसमें गुड़ और कच्चा दूध ऐड किए हैं, बस और कुछ नहीं। और जो चढ़ाया जाता है पुआ उसको हम लोग घी से बनाएंगे। और इसके लिए देखिए हमने ईटा से नया चूल्हा तैयार किया है। और इसी नया चूल्हा से बनाया गया पुआ हम लोग चढ़ाएंगे पूजा में। तो देखिए कितना सुंदर पुआ फूल के तैयार हो गया है। तो इसी तरह एक एक करके सारे पुआ निकाल लेंगे। देखिए लकड़ी जला के बना रहे हैं नया चूल्हा में और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है।
इसमें पानी नहीं दिया जाता, सिर्फ दूध से बनाया जाता है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है खाने में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का तुलसी पूजा के पास पुआ चढ़ा दिए हैं, पूजा हो गया है यहाँ पर। और देखिए 5 पत्तल पुआ चढ़ाए हैं। तो अब आप लोग को दिखाते हैं गौशाला में कैसे पूजा होती है। तो देखिए ये हम लोग का गौशाला है और यहाँ पर जो मेरे जेठ जी हैं वो पूजा कर रहे हैं। ये जो आषाढ़ी पूजा हो जाने के बाद जब भी अच्छी बारिश होगी तो अब हम लोग का धान रोपाई शुरू हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पुआ तोड़कर चढ़ाए यहाँ पर, फिर दूध पानी ये सब चढ़ा रहे हैं 2 दिन तक। तो हमारे गौशाला की पूजा भी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का खाने के लिए दूध गुड़ का जो पुआ बना था, उसके बाद यहाँ पर नमकीन पुआ बन रहा है, इसमें नमक ऐड किया गया है, नमक हल्दी मसाला। और यहाँ पर देखिए एक तरफ कोयला का चूल्हा है और एक तरफ लकड़ी का चूल्हा जिसमें पुआ बन रहा है। और गांव में अधिकतर ऐसे ही चूल्हा होते हैं प्रायः सबके घर में, और हम लोग का यहाँ गैस भी है लेकिन अधिकतर इसी में होता है। और देखिए यहाँ पर मेरा आ गया है पुआ खाने के लिए, गुड़ और नमक दोनों का है। चलिए दिखाते हैं आप लोग को कितना सॉफ्ट बना है, नमक का पुआ भी और गुड़ का पुआ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप लोग इस तरह से बना के खा सकते हैं। देखिए गुड़ वाला भी दिखाते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, देखिए दूध और गुड़ का है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को हमारे गांव का आषाढ़ी पूजा का ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।